What's up guys and welcome to my another video. आज मैं एक नई गेम लेके आया हूँ जो कि है Marvel's Super Wars. हाँ, ये एक MOBA गेम है, मल्टीप्लेयर ऑनलाइन बैटल अरीना. यानी कि करना क्या है हमको, हमारे सामने पांच हीरोज होंगे, हमारी टीम में पांच हीरोज होंगे, एक मैप होगा, टावर्स होंगे और एक एंशंट होगा. हमें क्या करना है, हमें सारे टावर्स को तोड़ते हुए लास्ट में एंशंट को डिस्ट्रॉय करना है. जो सबसे पहले एंशंट को डिस्ट्रॉय करेगा वो जीत जाएगा, सिंपल एज दैट. और आपको इस गेम में बहुत सारी हीरोज़ को खेलने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी. बहुत सारे हीरोज़ ऐसे होंगे पहले पहले जो आपको फ्री में अभी खेलने को मिलेंगे, पर कुछ टाइम के बाद आपको उन्हें पैसे देकर, लाइक कॉइन्स जो आपको ये गेम कंप्लीट करने पे मिलता है उसे देकर आपको परचेज करने पड़ेंगे और आप यूज़ कर सकते हो उन हीरोज़ को जो कि आपको शॉप में से मिलेंगे. ये कुछ सेट्स हैं जो आपको इक्विप करने हैं अपने हीरो के लिए. मैं रिकमेंड करूँगा कि जो भी प्रो साइट्स है वो आप इक्विप कर ले तो आपको उस हीरो के लिए खेलना बहुत इजी रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, आप उसकी मैक्सिमम पावर को यूज़ कर पाएंगे. आपको सबसे पहले पूछा जाएगा कि आपको कौन सी स्किल इक्विप करनी है. आप फर्स्ट या सेकंड स्किल को इक्विप कर सकते हैं. जो फर्स्ट स्किल है वो मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसी है. इसमें आपको जो मिलियनेयर है उसे फेंकेगा थॉर और वो वापस आ जाएगा, दैट्स आ फर्स्ट स्किल. फिर सेकंड लेवल पे आपकी दूसरी स्किल अनलॉक होगी जिसे आपको लेना है, जो कि ब्लिंक है. थॉर वहाँ पे पहुँच जाएगा और उनको थोड़ा सा डैमेज करेगा. जब आपका प्लेयर लेवल 4 का हो जाएगा तो आपकी अल्टीमेट अनलॉक हो जाएगी और वो कुछ ऐसी दिखेगी. पहले से ही हमें दो स्किल इक्विप करनी होती है जो कि हीलिंग है और ब्लिंक है. मैंने ये दो स्किल्स इक्विप की है और जो हमारा फर्स्ट लेवल का टावर है उसके पीछे हमेशा हमें एक हीलिंग के लिए एक बटन मिलेगा, एक आइकन मिलेगा. अगर हम वहाँ से पास होंगे तो हम थोड़ा बहुत हील हो जाएंगे. सेम गोज फॉर द अपोनेंट्स टावर. तो ये हमारी कैरेक्टर्स की सारी स्किल है. ठीक है, अब टोटल ये डिपेंड करता है ये गेम पे कि आप कैसा खेलते हैं, आप अपना दिमाग कैसे लगाते हैं, आप कहाँ आपकी स्किल्स यूज़ करते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपके एलाइज कैसे हैं, यानी जो आपके साथ खेल रहे हैं. अगर वो कुछ ज़्यादा डैमेज डील नहीं कर पाएंगे
तो हो सकता है कि भले आप बहुत अच्छा खेले पर वो थोड़ा घटिया खेलेंगे तो आपकी टीम शायद हार सकती है। सेम गोज फॉर द ओपोनेंट, अगर उन लोग के कुछ मेंबर्स ठीक ठाक है तो आप उनको ज़्यादा मारोगे तो फिर आपका लेवल अप जल्दी होगा, ज़्यादा होगा और आप ज़्यादा डैमेज डील कर पाओगे और ऐसे ही चलती है ये गेम। तो ये गेम में क्या है कि ये एक्चुअली 20-25 मिनट्स तक ये गेम चलती है और इतना बड़ा वीडियो तो मैं नहीं बताना चाहता था, इसलिए मैंने बीच में थोड़ा कट करके कुछ सेट करके मैंने ये वीडियो बनाया। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जब आपका हीरो एनिमी के सामने डिफीट हो जाता है तो कुछ सेकेंड्स का कूलडाउन आता है जब तक हम कुछ नहीं कर सकते, फिर हमारा हीरो वापस से स्पॉन होता है और हम बेस पे आ जाते हैं और वहाँ से हम वापस खेलना चालू कर सकते हैं। गेम के स्टार्टिंग में जब हमने हीरो इक्विप किया तो हमने एक प्रो सेट को भी इक्विप किया था जो कि एक्चुअली में आइटम्स होती है जो हमारे टॉप राइट कॉर्नर में से हमें लेनी होती है। जब हमारा गोल्ड बढ़ता है तो वो आइटम हमें दिखती है और हमें वहां से उसे ले लेना है। Don't let it go. It's gonna give it to you. It's gonna give it to you.
और ये है रैग्नारॉक। अगर इसे हमने डिफीट कर लिया, यानी हमारे एलाई से डिफीट कर लिया या हमने डिफीट कर लिया, तो हमें हम इसको स्पॉन कर सकते हैं हमारे अटैकर मोड में, यानी कि हम उसको स्पॉन करेंगे और वो खुद अटैक करेगा उनके टावर्स को और एंशिएंट को। पर जैसे आपने देखा कि हमारे ओपोनेंट ने उसे इक्विप कर लिया और देख के वो कुछ ऐसा दिखेगा जब वो सामने आएगा। हमें इसे डिफीट करना है उससे पहले कि वो हमारा टर्रेट को तोड़ दे, ठीक है। और अगर हमने उसे पहले डिस्ट्रॉय किया होता एनिमी से, तो ऐसे ही हमारा जो रैग्नारॉक है वो उनके बेस पे जाता उनके टावर्स और एंशिएंट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो जैसे मैंने कहा कि जो सबसे पहले एंशिएंट को डिस्ट्रॉय करेगा वो जीत जाएगा, यानी कि इट वाज अ डिफीट फॉर मी।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और प्लीज़ 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 बताइए कि आप कैसी वीडियोस देखना चाहेंगे, कौन से गेम की वीडियोस देखना चाहेंगे, प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू।